बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शैनन वीनर डाइवर्सिटी इंडेक्स। शैनन वीनर डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो किसी भी कम्युनिटी जो है उसमें स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेजर करने का एक बेहतरीन इंडेक्स है। शैनन वीनर इंडेक्स जो है इसको जो है दो चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल जो कम्युनिटीज की स्टडी है उसमें यूज़ किया जाता है। एक तो ये कि ये स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस ये दोनों को कंसिडर करता है कैलकुलेशन के दौरान। स्पीशीज रिचनेस ये है कि उस एरिया के अंदर स्पीशीज का नंबर कितना है, और स्पीशीज इवननेस ये है कि वहाँ पे हर स्पीशीज की जो वहाँ से रिपोर्ट हो रही है उनका नंबर कितना है, उनकी अबंडेंस कितनी है। तो इसका जो आसान सा जो फार्मूला है उसके मुताबिक जो है कि जो आपके पास जो स्पीशीज आती हैं या जो टैक्सा आते हैं तो सबसे पहले आप उनका अकाउंट लेंगे, उनका नंबर आप गिनेंगे यानी अबंडेंस, उसके बाद उस का रिलेटिव अबंडेंस निकालेंगे यानी जितने किसी स्पीशीज के नंबर आए हैं उसको टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी। फिर उसका नेचुरल लॉग लेंगे और फिर उनके नेचुरल लॉग को उनके रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, और एट द एंड जब दोनों को जो आपने मल्टीप्लाई किया है नेचुरल लॉग के साथ रिलेटिव अबंडेंस को, जब उन सबको सब स्पीशीज के नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो आपको इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होते हैं डाइवर्सिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो पास सॉफ्टवेयर है उसमें जो है नॉर्मली जो इकोलॉजिस्ट होते हैं या जो स्कॉलर्स होते हैं वो उसको यूज करते हुए डाइवर्सिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीशीज रिचनेस के हवाले से ये है कि जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतनी ही ज्यादा जो आपके पास शैनन इंडेक्स की वैल्यू आएगी। इसी तरह जितनी ज्यादा इवननेस होगी यानी हर स्पीशीज के नंबर जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल टू अदर स्पीशीज के जितने जितने करीब होंगे उतने ही ज्यादा वैल्यू आएगी एच इंडेक्स की। तो ये दो चीजों पे बेसिकली ये बेस करता है। इसकी रेंज होती है वो जीरो से इन्फिनिटी होती है, लेकिन नॉर्मली जो हमारी इकोलॉजिकल स्टडीज है उनमें ये 4.5 तक इसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है अगर स्पीशीज जो है वो अच्छी डाइवर्सिटी और जो है बेहतर इवननेस के साथ वहां पे अगर मौजूद होती हैं। तो जब वैल्यू जो है वो जीरो के करीब होगी तो इसका मतलब ये होगा कि कम्युनिटी के अंदर बहुत कम डाइवर्सिटी है और कुछ स्पीशीज है जिन्होंने डोमिनेट किया हुआ है। अगर उसकी वैल्यू हाई है तो इसका मतलब ये होता है कि जो है कम्युनिटी के अंदर ज्यादा स्पीशीज हैं और हर स्पीशीज का नंबर भी दूसरी स्पीशीज के लिहाज से तकरीबन इक्वल है, तो उस वक्त आपकी जो है वैल्यूज वो आ जाएंगी जो एच इंडेक्स की है वो हायर वैल्यूज आ जाएंगी। जो एच की मैक्सिमम वैल्यू है ये उस वक्त आती है जब तमाम स्पीशीज जो है वो इक्वली अबंडेंट हो। यहाँ पर जो लफ्ज इक्वली अबंडेंट का मतलब ये है कि उनके नंबर्स जो है वो आपस में बहुत करीब करीब हो।